हमारे ने 6 महीने पहले हमको ये तहरीरी तौर पर मुआहदे की शक्ल में दिया कि असिस्टेंट फोरमैन की जो हमारी मकैनिकल शोबे की वो असामी है उस पर 7 यौम के अंदर अंदर जो है हम वो अजी कादर बख्श साहब जो कि इस वक्त यहाँ पर लेटे हुए इनको प्रमोट करेंगे। 7 महीनों से अदारा टाल मटोल से काम लेते हुए 40 मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक वो वायलेशन करके उसको असिस्टेंट फोरमैन की असामी पर किस अगराज मकासद के लिए बिठाया गया ये हमें पता नहीं है। अब हम ये कहते हैं कि उसको फौरी तौर पर स्टेप डाउन करा करके इस बुजुर्ग और इस सीनियर मुलाजिम को बमुताबिक सीनियरिटी लिस्ट इनका हक दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। हमारे सर हमारे डिलीवरीज मुलाजमीन जो शब रोज़ इस शहर की खिदमत करते हैं मुख्तलिफ शोबजात में उनको भी 3-4 महीने जबकि वो हमारे अकाउंट में उनके लिए वो पैसे मख्तस होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो पैसा उनको वो फराम करती है लेकिन 3-4 महीने ये पैसे अकाउंट में पड़े रहते हैं जबकि हमारे डिलीवरीज मुलाजमीन एक दूसरे से उनको 13 से 14 हज़ार रुपये मिलते जबकि वो नोटिफिकेशन है कि उनको 17.5 हज़ार रुपये दिए जाने चाहिए। ये आज से नहीं कई सालों पहले ये नोटिफिकेशन हुआ था, एक तो 13 से 14 हज़ार उनको मिलते हैं बदनसीबों को और दूसरा ये कि 4-4 महीने बाद मिलते हैं। हम ये कहते हैं कि पैसे अकाउंट में रख के आप कौन सा जो है वो बिल्ली चूहे वाला खेल खेल रहे हो, फौरी तौर पर इनको तनख्वाह की अदायगी की जाए। असल में सर मसला ये है कि यहाँ पे अब कदरबख्श था जो सीनियर मोस्ट मुलाजिम है कदरबख्श के अलावा इन्होंने 40 बंदों को पीछे छोड़ के इस परसनखोर इस्नाइल इंतज़ामिया के साथ मिल के ये जूनियर बंदे ने बल्कि ये एक नाम निहाद यूनियन का सदर भी है इन्होंने अपना आर्डर किया वो इस वजह से किया कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कानून है ना यहाँ पे कोई रूल ना कोई कवायद ना कोई जवायद उससे बालातर हो के इन्होंने रात के अंधेरे में इस उम्र में इनका हक मारा। तो पहले हम सनाउला के लिए रोड पे निकले आज हम फिर मजबूर हो के इस कदरबख्श इस बुढ़ापे में इसके हक और इसकी हकूक की जदोजहद हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अब हमने सोमवार तक इनको टाइम दिया हुआ है कि सोमवार तक हमारे जायज़ अगर हमारा कोई मुतालिबा ना जायज़ है तो हम पहले ही कह चुके हैं कि हमने इनको चैलेंज दिया है कि वो आप प्रेस क्लब में हमारे साथ मुनाज़रा करें अगर हमारा ये एक भी मुतालिबा गलत था या गैर कानूनी था तो हम इंशाल्लाह और तआला इस्तीफा दे के घरों को जाएंगे। तो इसके बावजूद यानी टाल मटोल इसके बावजूद नाइंसाफ़ी इसके बावजूद इसके हक तलफी तो इसलिए अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा हमारा यही रास्ता है कि टेबल टाक मज़ाकरात अगर उसमें हमें मुतमईन नहीं किया जा सका तो हम ये रोड पे तड़े पे आके अब सोमवार के बाद इंशाल्लाह और ताला पहले हम सेक्रेटरी साहब से चीफ सेक्रेटरी साहब से वज़ीरे आला साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें हमारा जायज़ हक दिया जाए। हम ना कोई बंगला मांग रहे हैं ना कोई नाजायज़ मरहात का हमने मुतालबा किया है बुनियादी हक मुलाजिम का प्रमोशन जो वो 60 साल तक वो इंतज़ार करता रहता है कि मुझे एक दिन प्रमोशन मिलेगा एक दिन मुझे मेरा हक मिलेगा। तो अब अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ पहले तो हम इंशाल्लाह और ताला ये उम्मीद रखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब नोटिस लेंगे वज़ीर आला नोटिस लेंगे अगर नहीं लिया तो सोमवार के बाद इंशाल्लाह हम इधर बैठ के फिर तादम मरकबू का ताला हमारा शुरू होगा तो हम जान देंगे ये कदरबख्श अकेला नहीं है ये सारे इंशाल्लाह और ताला एक एक करके हम इधर मरेंगे। अगर हक दिया तो हम इंशाल्लाह खुशी से जाएंगे अपने काम पे काम आप भी हम कर रहे हैं अब हम जान का नजराना दे के यहाँ पे बैठे हैं इस टाइम अदारा फहाल है हम सारी ड्यूटियों पे हाजिर है हमारा स्टाफ सारा काम कर रहा है हमने शहर के लिए कोई मसला नहीं बनाया हम शहर की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है हमारे स्टाफ दिन रात कोशा है लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ पे जलील और ख्वार किया जा रहा है। तो इसलिए हमारे साथ और कोई रास्ता नहीं बचा सोमवार से तदम मरकबू का हड़ताल हमारा शुरू होगा जिसमें हम अपने जान का नजराना दे के इन साथियों के हकूक के लिए हम जदोजहद का इंशाल्लाह और ताला ये जारी रहेगा।